तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूं व्हाट इफ संडे की वीडियो, और इसमें हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं व्हाट इफ रेडिट सर्वाइव्ड का पार्ट टू। जिन लोगों ने मेरी वीडियोज़ पहले नहीं देखी हैं उन्हें मैं बता देता हूँ, व्हाट इफ की वीडियोज़ में हम ऐसे सीनारियोज़ को कवर करते हैं जो कि असल में ड्रैगन बॉल में नहीं हुआ है, और हम देखने की कोशिश करते हैं कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में अगर ऐसा सीनारियो होता तो क्या होता। मैं ड्रैगन बॉल को ओन नहीं करता हूँ, ड्रैगन बॉल के सारे राइट्स टोय एनिमेशन और अकीरा टोरियामा के पास है, और ये सीनारियोज हम सिर्फ फन के लिए कवर कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस वीडियो का पिछला पार्ट नहीं देखा है पहले वो वाला पार्ट देख लीजिए, वरना आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा। लास्ट स्टोरी में हमने देखा था कि कैसे पिकलो के अटैक से रेडिट्स बच जाता है, जिसके बाद वो धरती पर ही रहने लग जाता है। नापा और रेडिट्स धरती की तरफ आ रहे होते हैं, और पिकलो और रेडिट्स में एक डील होती है कि पिकलो रेडिट्स को 2 साल बाद ड्रैगन बॉल्स यूज़ करने के लिए देगा, और रेडिट्स वेजिटा और नापा के खिलाफ इस डील के लिए मान जाता है। वेजिटा और नापा आखिरकार धरती पर पहुंच जाते हैं और हमारे हीरोज गोकू को भी वापस विश कर लेते हैं। जैसे ही वेजिटा और नापा पहुंचते हैं, रेडिट्स वापस से वेजिटा और नापा की साइड हो जाता है, और जीवर्स को लगता है कि आखिरकार रेडिट्स ने उन्हें धोखा दे ही दिया। अब सारे जीवर्स समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि गोकू अभी बैटल फील्ड तक नहीं पहुँचा है। गोहान रेडिट्स से पूछता है कि मिस्टर रेडिट्स, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप हमारे साथ लड़ने वाले थे। पर रेडिट्स कुछ नहीं बोलता। नापा और वेजिटा लड़ने के लिए साइबरमैन्स को बाहर निकालते हैं ताकि वो सभी जीवर्स को हरा सकें, और यामचा लड़ने के लिए सामने आता है। जैसे ही यामचा लड़ने के लिए आगे आता है, एक जोरदार धमाका होता है और सबको पता चल जाता है कि सारे साइबरमैन्स मारे जा चुके हैं, और पता चलता है कि ये काम रेडिट्स का है। वेजिटा और नापा के धरती पर आने से पहले रेडिट्स ने पिकलो को इन साइबरमैन्स के बारे में बताया था, और उसने कहा था कि अगर इन साइबरमैन्स को शुरुआत में ही नहीं मारा गया तो ये लड़ाई के एंड में काफ़ी दिक्कत दे सकते हैं, तो उन्हें बाहर निकलवाने का बस एक ही तरीका है, रेडिट्स को ड्रामा करना होगा कि वो अभी भी नापा और वेजिटा के साथ ही है। और जैसे ही सारे साइबरमैन्स बाहर आएंगे, वैसे ही रेडिट्स सभी की सभी साइबरमैन्स को एक साथ मार देगा। नापा और वेजिटा दोनों ही बहुत हैरान होते हैं रेडिट्स के इस धोखे से। रेडिट्स बताता है कि ये प्लान उसी का था, और वो जी वॉरियर्स को बताता है कि पिकलो को इस पूरे के पूरे प्लान के बारे में पता था। नापा को रेडिट्स के इस धोखे से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और रेडिट्स नापा को बोलता है कि अब उसे नापा से डर नहीं लगता और वो उससे लड़ने के लिए तैयार है। नापा रेडिट्स से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके स्काउटर के हिसाब से रेडिट्स उससे ज़्यादा कमज़ोर है, और जैसे ही उनकी लड़ाई शुरू होती है, रेडिट्स धीरे धीरे करके अपनी ताकत बढ़ाने लग जाता है। नापा समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर हो क्या रहा है, और रेडिट्स नापा को ओवर पावर कर रहा होता है। अब नापा को समझ आ चुका है कि रेडिट्स ने धरती पर ज़रूर कोई नई ट्रिक सीखी है, जिसकी वजह से वो अपने पावर लेवल को कंट्रोल कर सकता है। सारे के सारे जी वॉरियर्स खुश होने लग जाते हैं कि रेडिट्स नापा से जीत रहा है। रेडिट्स भी सोच रहा होता है कि उसे इस ट्रेनिंग से कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, उसने एक साल में ही नापा की ताकत को ओवर पावर कर लिया है। अब नापा एकदम बौखलाने लग जाता है, और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे, और एकदम से वो जाता है और यामचा और क्रेनिन पर हमला कर देता है। इसमें क्रेनिन तो अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है, पर यामचा मारा जाता है। रेडिट्स समझ जाता है कि नापा दूसरों को भी चोट पहुंचा सकता है। हालांकि यहाँ पर रेडिट्स को किसी की भी फिक्र नहीं है, क्योंकि वो किसी को भी दोस्त नहीं मानता। यहाँ पर वो अगर किसी की फिक्र करता है तो वो है गोहान, क्योंकि वो उसके बेटे जैसा है, और थोड़ा बहुत पिकलो, क्योंकि एक साल ट्रेनिंग करते करते वो उसका दोस्त जैसा बन गया है। रेडिट्स इस वक्त अपने बैटल प्लान के हिसाब से सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि अगर और ज़्यादा वॉरियर्स मारे जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वेजिटा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और वो अकेले ही किसी को भी संभाल सकता है, तो जब तक गोकू बैटल फील्ड तक नहीं पहुंचता, उन्हें किसी को भी मरने से बचाना होगा, ताकि गोकू के बैटल फील्ड तक पहुंचने के बाद वो सारे मिलके वेजिटा को हरा दें। गोकू इस बैटल में एक तरह से उनका ट्रम्प कार्ड है। इसके बाद रेडिट्स एकदम से तेज़ी से जाता है और एकदम से नापा को हरा देता है। वेजिटा इस उलटफेर से बहुत हैरान होता है, पर वो बहुत ज़्यादा हैरान नहीं होता है। वेजिटा रेडिट्स को बोलता है कि वो हमेशा से ही जानता था कि रेडिट्स एक बहुत ही अच्छा बैटल टेक्टिशियन है, पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि रेडिट्स ये सब कुछ वेजिटा के खिलाफ भी कर सकता है। वेजिटा अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर उन्होंने जल्दी से इन लोगों को नहीं मारा तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि उसे स्काउटर पर गोकू की ताकत दिख गई होती है। वेजिटा रेडिट्स को बोलता है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि रेडिट्स के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई है, पर अब चाहे जो भी हो, रेडिट्स और उसके दोस्तों का मरना तय है। भले ही उसने नापा को हरा दिया हो, पर वेजिटा एक अलग लेवल का वॉरियर है। रेडिट्स बोलता है कि उसके पास इसके लिए भी प्लान है। तभी पिकलो एकदम से वेजिटा की पूंछ पर हमला कर देता है ताकि वेजिटा ग्रेट एप में ना बदल सके, पर वेजिटा एकदम से ये अटैक देख लेता है और वो एकदम से उस अटैक से बच जाता है।
वो जैसे ही इस अटैक से खुद को बचाता है वो एकदम से पिकलो पर अटैक कर देता है और पिकलो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाता है। रैडिट्स का दूसरा प्लान ये था कि वो वेजिटा की पूंछ को काट देंगे ताकि रैडिट्स अपने ग्रेट एप की फॉर्म में जाकर एकदम से वेजिटा को हरा दे, पर अब ये प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका है और अब पिकलो भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका है जो कि उनका दूसरा नंबर पर सबसे ताकतवर वॉरियर था। वेजिटा अब जी वॉरियर्स के सारे प्लान को समझ चुका है। वेजिटा बिना देरी करे जी वॉरियर्स को मारना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो टीएन को मार देता है और जैसे ही चालसू टीएन का बदला लेने के लिए वेजिटा के पास आता है वो एकदम से चालसू को भी मार देता है। रैडिट समझ जाता है कि वेजिटा धीरे धीरे करके सबको मार देगा। वो पिकलो से पूछता है कि आखिर कैकरोट कहाँ है। पिकलो बोलता है कि गोकू धरती पर आ चुका है और बैटलफील्ड तक पहुँच रहा है। वेजिटा ये बात सुन लेता है और अपने स्काउटर पर देखता है। वो देखता है कि गोकू काफ़ी नज़दीक आ चुका है और उसका पावर लेवल 9000 से भी ज़्यादा है और अगर वो यहाँ पर पहुँच गया तो वो बाकी सभी के साथ मिलकर वेजिटा को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। वेजिटा जल्दी से गोहान की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसे मार सके, पर तभी क्रेलिन आकर गोहान को बचा लेता है। गोहान इस पॉइंट पर एक छोटा सा बच्चा है और वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो इस बैटलफील्ड में कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। पिकलो और रैडिट्स गोहान को वेजिटा से बचाने के लिए लड़ते हैं पर पिकलो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और वेजिटा बड़े आराम से पिकलो को मार देता है और रैडिट्स के विश मांगने का सपना भी टूट जाता है। वो गोहान को बचाने के लिए फिर भी लड़ता रहता है पर वेजिटा उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो रैडिट्स को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घायल कर देता है और उसकी पूंछ को भी काट देता है। अब क्रिलिन ही है जो गोहान को बचा सकता है और वो वेजिटा से लड़ने की कोशिश करता है और वो बहुत ही आराम से हार जाता है। वेजिटा गोहान को मारने ही वाला होता है पर तभी वहाँ पर हमारा हीरो गोकू पहुँच जाता है और एकदम से जाकर वेजिटा से गोहान को बचा लेता है। आगे की लड़ाई काफ़ी कुछ सेम तरीके से होती है जैसे कि असली सैयन सागा में हुई थी। वेजिटा ग्रेट एप में बदल जाता है और गोकू से लड़ रहा होता है और गोकू को उससे लड़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही होती है। वेजिटा आखिरकार गोकू गोहान और क्रिलिन की वजह से हार जाता है और गोकू वेजिटा को वैसे ही जाने देता है जैसे उसने ओरिजिनल सीरीज में जाने दिया था और आगे की स्टोरी भी काफ़ी कुछ वैसे ही चलती रहती है जैसे कि असली ड्रैगन बॉल के सीरीज में चल रही थी। हमारे हीरोज क्रिलिन गोहान और बुलमा उसी तरीके से नेमेक पर जाते हैं जैसे कि वो असली ड्रैगन बॉल की सीरीज में गए थे ताकि वो सभी मारे गए जी वॉरियर्स को जिंदा कर सकें। रैडिट्स और गोकू दोनों हॉस्पिटल में रिकवर करते हैं जब तक उन्हें सेंजू बीन्स नहीं मिलते। गोकू भी रैमिक में जाने के लिए तैयार हो जाता है पर इस बार ही रैडिट्स भी उसके साथ होता है क्योंकि अभी पिकलो ने उससे जो वादा किया था ड्रैगन बॉल्स देने का वो अभी पूरा नहीं हुआ है। गोकू की शिप के अंदर उतने ही ट्रेनिंग के इक्विपमेंट्स हैं जितने कि रियल स्टोरी में थे और गोकू लगातार ट्रेनिंग करता रहता है। रैडिट्स भी उससे काफ़ी इंस्पायर होता है और गोकू को देख के वो भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करता है पर वो गोकू जितनी ट्रेनिंग नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि गोकू काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और वो अपने हाथों से वेजिटा जैसे खतरों को बड़े आराम से संभाल सकता है। रैडिट्स के मन में दूसरी बात ये भी है कि जैसे ही उसे ड्रैगन बॉल्स मिल जाएगी वो विश करेगा और दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बन जाएगा तो उसे वैसे भी ट्रेनिंग करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर एक दिन गोकू को उसकी शिप पर एक मैसेज मिलता है जो कि बुलमा ने भेजा होता है नेमेक प्लैनेट से। बुलमा ने बोला होता है कि नेमेक पर एक बहुत ज़्यादा ताकतवर शख्स है जिसका नाम फ्रीजा है। रैडिट्स का ये नाम सुनते ही हालत ख़राब हो जाती है। वो गोकू को बोलता है कि नेमेक पर जाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, वो फ्रीजा को नहीं हरा पाएंगे। पर गोकू बोलता है कि वो अपने दोस्तों को कभी भी ऐसे अकेला नहीं छोड़ेगा, उसके दोस्त इस वक्त बहुत बड़े खतरे में हैं तो वो ज़रूर नेमेक पर जाएगा और उन लोगों को बचाएगा। रैडिट्स गोकू को समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है पर तभी वो सुनता है कि वेजिटा भी उसी प्लैनेट पर है। वो दोनों समझ जाते हैं कि नेमेक पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रैडिट्स भी फैसला कर लेता है कि अब वो भी ट्रेनिंग शुरू कर देगा ताकि वो एटलीस्ट वेजिटा से तो लड़ सके। इसके बाद गोकू और रैडिट्स दोनों साथ ट्रेनिंग में लग जाते हैं। तो दोस्तों आज की व्हाट इफ वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ठोकना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो पर लाइक का टारगेट है 1000 लाइक्स। जल्दी से इस लाइक के टारगेट को पूरा कर दीजिए और आप लोगों को पता ही है कि इसकी अगला पार्ट कब आएगा। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा नेक्स्ट संडे को। अगर आप लोग मुझे मेरी व्हाट इफ स्टोरीज़ के बारे में कुछ कहना चाहते हों या फिर मुझसे कुछ पूछना चाहते हों तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ईवल गोकू स्टोरी लाइन का पार्ट 14 बहुत ही जल्द आने वाला है, वो मैं अपने चैनल पर एक या दो दिन में डाल दूँगा तो आप लोग उस वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों का शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग मुझे सोशल मीडियाज़ पे ही फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे ही फॉलो कर सकते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा।
तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।